एंड फर्स्ट यूट्यूब इनकम यार, इसको तो पढ़ना भी नहीं कमेटेड है भाई, हंसती हुई दिखती है। ओह माय गॉड, बनाने जा रहे हैं Q&A वीडियो। वीडियो के लिए मैंने क्वेश्चंस लोगों से मांग मांग के इंस्टाग्राम पे तब लिए है कि चार ही क्वेश्चंस थे मैंने जब पूछा था इंस्टाग्राम पे, और चार क्वेश्चंस का क्या वीडियो बनाती मैं, तो मैंने मांग के किए क्वेश्चंस। मैं आपको क्वेश्चंस के जवाब देने वाली हूँ, आपने मेरे बारे में क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगी, क्वेश्चन से पढ़ेगी जवाब मैं दूंगी। करें स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला पर्सन है प्रेजेंट, प्रेजेंट ने पूछा है क्वेश्चन, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये कोई क्वेश्चन होता है प्रेजेंट? पुराना क्वेश्चन हो गया यार, ये कैसे क्वेश्चन है? मेरे टूथपेस्ट टूट मेरे मैं यूज करती हूँ कोलगेट, और मेरे कोलगेट में नमक नहीं है, सॉरी। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 हार्ड डे चैलेंज करके कैसा लगा? 75 हार्ड चैलेंज करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब चैलेंज अगर आप कुछ लेते हो तो आप कंप्लीट करते हो, आप उस चैलेंज को पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो आपको बहुत संतुष्टि मिलती है खुद को। हार्ड चैलेंज था मेरे लिए, पर मैंने इसको कंप्लीट किया, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब मैंने इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट पर्सन है साक्षी राणा, रना नहीं है वो, राणा ही है वो साक्षी राणा। विच इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट एंड सैडेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ? हैप्पीएस्ट पार्ट तो अभी तक आया ही नहीं है, और सैडेस्ट तो हर दिन होता है, मतलब मैं सैड ही रहती हूँ हर दिन, बस मैं आपको ऊपर से हंसती हुई दिखती हूँ। ओह माय गॉड, क्योंकि भाई मेरे अभी मैं सक्सेस नहीं हुई हूँ लाइफ में, तो मुझे खुशी नहीं है, और हैप्पीएस्ट पार्ट तब होगा जब मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाऊँगी। स्वाति यार, इसको तो पढ़ना भी नहीं इसको तो पढ़ना भी नहीं आ रहा, इसकी हैंडराइटिंग देखो गाइस, मेरी नहीं है ये, इसी की राइटिंग है, झूठ कह रही है ये ये खुद झूठ कह रही है, इसकी हैंडराइटिंग नहीं है। स्वाति, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, लाइक व्हाट यू आर डूइंग, योर स्टडी एज एंड ऑल। मैं स्टडी नहीं करती हूँ, मैं ग्रेजुएटेड हूँ, और मेरी एज है 23 अभी हुई है नवंबर में, बस अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही, ग्रेजुएशन के बाद मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं घर पे बैठी हूँ, बस मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। नेक्स्ट पर्सन है विशाल, विच थिंग कैन ब्रेक योर हार्ट एंड ऑल्सो दैट कैन फिक्स योर हार्ट टू? ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए। मेरा हार्ट ब्रेक तब होता है जब मैं इतनी मेहनत करने के, मैं इतनी मेहनत करती हूँ वीडियोज़ के लिए, और उस तरीके के व्यूज़ लाइक्स कमेंट्स नहीं आते तब, और दैट कैन फिक्स योर हार्ट टू, आंसर नहीं है मेरे पास, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा मोमेंट ही नहीं आया जो मेरा हार्ट फिक्स कर सके। नेक्स्ट पर्सन भी विशाली है, फेवरेट सॉन्ग तो देखो अरिजीत सिंह है ना, जो मेरा फेवरेट सिंगर है, तो उनके सारे सॉन्ग्स। एंड फर्स्ट यूट्यूब इनकम, अभी तक मेरी YT इनकम नहीं आई हुई है गाइस, तो थोड़ा सब्र करो, सपोर्ट करो, आएगी बहुत जल्दी। नीता राय, हाउ डू यू कैरी सच अ पेशेंट थ्रू आउट द जर्नी? कौन सी वाली जर्नी? 75 हार्ड वाली जर्नी, शायद 75 हार्ड वाली जर्नी के लिए पूछा है सुनीता ने। मेरे में बहुत कम पेशेंस है, पर मैंने रखा और हो गया, बस मैंने सोचा क्या ही आंसर दूँ इसका, आकृति बता दो क्या बोलूँ यार, आंसर क्या दूँ? हाउ डू यू कैरी सच अ पेशेंस थ्रू आउट द जर्नी, 75 हार्ड वाली जर्नी? रेटिंग किसकी है भाई? ये किसकी है? ये रिंकी की, तभी तो मैंने बोला है ना, क्यूट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, इसका देते हैं जवाब अभी, इसका थोड़ी देर बाद देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर्सन है रजत पनवर जी, आप सिंगल हो या कमिटेड? कमिटेड है भाई कब किसने बोल दिया कमिटेड है? क्या आके बोलो, अपनी शक्ल तो दिखाओ एक बार, दिख रहा है उसको? नहीं दिख रहा, उधर आप नहीं आ रहे, कमिटेड है भाई मेरे से। ओ माय गॉड, बहन है मेरी, बहन है, बहन तो कमिटेड भाई बहन भी हो सकते हैं भूमिका। गाइस इसका आंसर मैं देना चाहती हूँ, भैया क्या हो आप, रुक जाओ, इसका आंसर मैं तब दूंगी गाइस जब मेरे 50K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे चैनल पे, तब
पक्का पक्का है उस दिन। भूमिका तीन तीन भूमिका ने क्वेश्चंस पूछे हैं ना, तीन भूमिका ऐसी। सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट आपके लाइफ का कौन सा था? सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरा रोज ही होता है, क्योंकि जब आपने वो बर्थडे के दिन वो बेचे थे क्या मट्टी नहीं मेरे को वो शर्मनाक थोड़ी था वो मेरे लिए यार, वो तो एक चैलेंज था, मैंने मजे के लिए कर दिया। एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरा हर रोज होता है क्योंकि मैं घर पे बेली बैठी रहती हूँ और कोई काम नहीं होता फोन चलाने के अलावा, और मम्मी ताने मारती है तब। साक्षी शर्मा शादी कब कर रहे हैं? साक्षी शर्मा शादी कब कर रहे हैं, मेरी फ्रेंड है गाइस। शादी जब मैं पैसा आएगा ना मेरे पास, जब मैं सक्सेस हो जाऊंगी लाइफ में, जब मैं अमीर रिचेस्ट वुमन बन जाऊंगी तब। भूमिका 03889 What are your qualification? थोड़ा जोर की बोलो यार। What are your qualification? And आप जो भी कर रहे हो, you are doing very good job. Thank you, भूमिका। मैं मेरी qualification है, मैं graduated हूँ, मैंने graduation कर लिया complete. Oh your birthday video, don't be sad. सबकी life अलग face से चलती है, आपकी आप खुश रहो बस। यही इसी के ही question है। Thank you so much. Thank you. Pia, what's your aim? What's your aim? मेरा aim है मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की बनूं। सबका यही होता है नो, बट मेरा भाई ये के आर्यन शर्मा या रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं भाई, 50K के बाद देख लियो। गाइस मैंने इसका आंसर दे दिया है 50K के बाद, 50K सब्सक्राइबर्स के बाद। What's your future plan? वो बता दो। What's your future plan? मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि अगर मैं अपनी लाइफ में यही सक्सेस हो गई ना, तो सबसे पहले तो मैं अपने घर वालों के लिए उन घर बनाऊंगी एक बड़ा, क्योंकि उनके सपने पूरे करेंगी, उनके सपने पूरे करूंगी, फिर उसके बाद अपने सपने पूरे करूंगी। उसके बाद है नेहा, एनी मेहंदी आर्टिस्ट नियर सुबस्तु। ये क्वेश्चन मेरे को सबसे फनी लगा था, एनी मेहंदी को प्रेजेंट का ही क्वेश्चन है ये, लाइफ के मोए मोए चल ही रहे हैं प्रेजेंट, मैंने सब क्वेश्चन का, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है एम्बैरेसिंग मोमेंट वाला, तो मेरा मोए मोए चलता ही रहता है यार। Businessman, what would you do if you did not do this? अगर मैं YouTube ना करती तो मैं क्या करती यार? मैं YouTube करती, मैं करती YouTube, मैं मतलब ना करती ही नहीं, मैं करती ही YouTube. Who inspired you to do YouTube? मैं खुद, जो मतलब अगर मेरे को आप लोग पहले से देख रहे हो तो आपको पता होगा पहले मैं गेमिंग करती थी, उसके बाद मैं ब्लॉगिंग में आई हूँ, तो मैंने खुद को ही मतलब खुद को इंस्पायर किया यूट्यूब के लिए। तो वाहियात क्वेश्चन आ रहा है, खूबसूरती का राज। वाहियात क्वेश्चन, खूबसूरत नहीं हूँ मैं गाइस, खूबसूरत नहीं हूँ बताओ मुझे। खूबसूरती का राज ये है कि जो मैं नहाने वाला साबुन होता है ना, उसी से मुंह धोती हूँ गाइस। वो लक्स साबुन है, लक्स साबुन है, आप लोग भी यूज कर सकते हो, बस इसके फेस में नहीं आता ग्लो जितना मेरे यहाँ आता है। मैं गाइस वो बर्तन धोने वाला साबुन यूज करती हूँ फेस पे, असलियत बता दी इसमें, बस खत्म हो गए, बस यही थे। सो गाइस 14 क्वेश्चंस आए हुए थे मेरे को और मैंने सबके आंसर्स दे दिए हैं। एट लास्ट गाइस जो हमने अभी क्वेश्चन छोड़ा था सुनीता राय का, कि हाउ डू यू कैरी सच अ पेशेंस थ्रू आउट द जर्नी, 75 हार्ड वाली जर्नी, उसका आंसर मैं देना चाहूँगी कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस हो रहा है ना, तो आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है अपनी लाइफ में, अगर पेशेंस नहीं रखा तो सक्सेस भी नहीं हो पाओगे। तो अगर सुनीता आपको आंसर मिल गया है तो थैंक यू गाइस। आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे उम्मीद है, अगर नहीं मिले हैं तो कोई बात नहीं, और पूछ लो, मैं इस पे और वीडियो भी बना सकती हूँ। तो आपको कैसी लगी वीडियो और क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं तो प्लीज़ कमेंट भी करना, सबके नाम ले लेके मैंने आंसर्स दिए हैं इसीलिए। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना, और अगर आप तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। तू भी कुछ बोल, बाय बाय।
चल तो देख थप्पड़ क्यों मार रही। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।